नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और एक बार फिर मैं हाजिर हूं राजनीतिक सफर कार्यक्रम को लेकर। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे साथ राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे और मुरादाबाद में होने वाले मेयर चुनाव में उस पर मंथन कैसे किया जाए और मुरादाबाद की सीट को भाजपा किस तरह से आगे बढ़ाए, इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है श्याम बिहारी शर्मा जी, जिन्होंने मुरादाबाद की जनता के बीच जाकर मुरादाबाद के चुनाव का हाल जाना है और उनसे जानना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमें जानना चाहिए सबसे पहले कि निकाय चुनाव की स्थिति क्या चल रही है। निकाय चुनाव की स्थिति मुरादाबाद में बहुत अच्छी है और इसके अतिरिक्त जो है अन्य जनपदों में जो हमारे माननीय योगी जी की नीतियाँ हैं, माननीय मोदी जी की नीतियाँ हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत एक प्रदेश में माननीय मोदी जी की योगी जी की लहर आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की लहर आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छे और जितने नगर निगम है वो सभी में जो है जीत हासिल कर रही है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में आपने भी दावेदारी की, उसमें हालांकि आपको सफलता हासिल नहीं हो सकी, क्या कहेंगे उसका? कुछ नहीं, हर कार्यकर्ता का अपना अधिकार है कहीं कुछ मांगने का, लेकिन जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वाधिक है और मुझे लगता है कि मुझे अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अब देखा जाए मुरादाबाद में अगर हम बात करें अब की, तो कहीं ना कहीं अंतर कलह भाजपा को गढ़ की ओर ले जा रही है, इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसा तो कहीं महसूस नहीं होता अंतर कलह का। वैसे तो मेरा ये मानना, परिवार में चार भाई है तो चारों भाइयों में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा होता है और ये तो बहुत बड़ा परिवार है। अंतर कलह जैसी बात कहीं हुई नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और एक मत से जो है महापौर में चुनाव लड़ा रहे हैं, सभी पार्षद चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं लगभग 70 वार्डों में से मैं अभी तक लगभग 25 वार्डों को भ्रमण कर चुका हूं समय, और 25 वार्डों में कहीं मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं अंतर कलह हो और कहीं छोटा मोटा मनमुटाव होता है, पीड़ा होती है, हम लोग बैठे समझाते हैं, चाय पीते हैं तो दूर हो जाती है। अच्छा, मुरादाबाद की जनता को जिस तरह से देखा जाए, बसपा ने भी इस बार अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को परेशानी हो रही है? न, भाजपा को से कहीं भी परेशानी नहीं हो रही। भाजपा सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है और सबको साथ ही चलने वाली पार्टी है। आज जो भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की योजनाएं हैं, उस सबका साथ सबका विकास लेकर योजनाएं हैं और उसी तरह काम कर रही है। बसपा से या सपा से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करें मेयर की सीट की, तो कहीं ना कहीं इस बार की सीट जो है वो खतरे में नजर आ रही है, उसे किस तरह से भाजपा उभारेगी और किस तरह से भाजपा अपने पाले में सीट को ले जाने की कोशिश करेगी? जहां तक मैंने रीडिंग की है तो अभी तक भाजपा की स्थिति आज तक बहुत अच्छी है और कहीं किसी बार में मुझे कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही और मैं सुन रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जो है अपना जीत हासिल कर रही है। मुरादाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे चुनावी सफर? मुरादाबाद की जनता के लिए चाहूंगा कि आज भारत में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और माननीय मोदी जी अच्छी अच्छी नीति अपना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, माननीय योगी जी अच्छी नीति अपना रहे हैं और मैं चाहूंगा कि मुरादाबाद की जनता से और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता से जितने हमारे नगर निगम हैं, नगर पंचायत हैं, महापौर हैं, सभी में जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत दें और सभी अपना पार्षद मेंबर और महापौर मेयर सब बनाए ताकि सभी शहरों का नगरों का विकास जो है सुनिश्चित तरीके से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई मानेगी, 6 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? ना, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जितना सरकार पुरानी सच्चा सपा उठा लो बसपा उठा लो, उन लोगों ने 5 साल में इतना काम नहीं किया, उसका 5 गुना अधिक काम जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी आज तक कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ये हमेशा आरोप लगाती आई है और इस बार भी मुरादाबाद के लोकल चुनाव में भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई सही प्रत्याशी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ गिनी चुनी सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, 50 सीटों पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, तो इसे क्या कहें? ना, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हर जगह है, पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता सक्षम है, लेकिन जहाँ जो जिताऊ कैंडिडेट है और टिकाऊ कैंडिडेट है उन्हें टिकट दिया गया है और वो सभी सीटों पर जितना दिया गया उतना जीत गया है। भ्रमण करने के बाद क्या लगता है कितनी सीटों पर सफल हुई भाजपा? मेरा तो ये मानना है कि लगभग सभी सीटों पर स्थिति बहुत अच्छी है और कुछ सीटों पर स्थिति काफी क्लियर है और कुछ पर फ्लाइट बहुत ऊपर है, तो मेरा तो ये मानना है लगभग जो है काफी अधिक सीटें हम जीत गए हैं। तो ये थे हमारे साथ में श्याम कुमार श्याम बिहारी शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त किस
तरफ ले जाता है हम सभी को, और निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है और किसके सर पर ताज चढ़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पब्लिक टीवी इंडिया के लिए अंकित चौहान, पूरा दबाव।